अस्सलाम वालेकुम। मज़मून खेले करे सीखे में आज हम सबक पढ़ने जा रहे हैं महारत पर मबनी सरगर्मियाँ। महारत यानि कागज़ के ज़रिए, रंगीन कागज़ रंगीन पेपर के ज़रिए कारामत, खूबसूरत और सजावट की चीज़ें बनाना। जैसा कि हमने सबक में पढ़ा कि पहले हिस्से में हमने एक खूबसूरत कंदील बनाया है, तस्वीरों के ज़रिए हमने उसको पढ़ा। आज हम उसको यहाँ पर वीडियो के ज़रिए कैसे बनाते हैं ये देखेंगे। हमने एक पेपर लिया है, रंगीन पेपर। हमारे पास में स्टेपलर है, कैंची है। सबसे पहले तो हम इसको, इसकी पट्टी को कट कर देंगे। ये पट्टी को हमने कट कर दिया। अब इसको हम इसके बीच में से इसको मोड़ देंगे। ये हमने इसको बीच में से मोड़ दिया। अब हम यहाँ पे एक लकीर बनाएंगे स्केल और पेंसिल की मदद से। हमने इस लकीर को क्यों बनाया है आपको अभी पता चल जाएगा। हमने यहाँ पे एक लकीर बनाया है। अब हमको क्या करना है कि इसकी पट्टियाँ काटना है। यहाँ से ऐसी पट्टियाँ काटना है, तो याद रहे पूरा नहीं काटना है, लकीर तक ही काटना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। हम इन पट्टियों को आहिस्ता से काटेंगे ताकि आपको भी ना लगे और कागज़ भी हमारा ज़्यादा ना कट जाए। इस तरीके से हमने ये पट्टियों को इस तरीके से हमने काट लिया है। अब हम इसको खोलेंगे, सबको नज़र आ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे इसके ऊपर जो एक हमने लाइन छोड़ी थी जिसको हम कॉलर कहेंगे कंदील की, वहाँ पे हम स्टेपलर लगा देंगे। और एक नीचे लगाएंगे। इस तरीके से ये हमारा खूबसूरत कंदील बन गया। अब हम यहाँ पे इसको डिज़ाइन करने के लिए कोई रंग लगा सकते हैं या फिर हम नीचे भी इसको डिज़ाइन करने के लिए हम लगा सकते हैं। अब इसको पकड़ने के लिए हम एक ऊपर ये जो हमने पट्टी पहले काटी थी उसको यहाँ पे जोड़ देंगे इस स्टेपलर की मदद से। तो बच्चों ये हमारा बन गया एक खूबसूरत कंदील। आप इसे दिवाली के मौके पर या अपने घर की शादी ब्याह के मौके पर, घर की सजावट के लिए या स्कूल के प्रोग्राम के मौके पर आप सजावट के लिए
बना सकते हैं। लग रहा है ना खूबसूरत, तो आप इसे ट्राई कीजिए। शुक्रिया।